खुद आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद ने मुलाकात की और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान खोई हुई मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके मौके पर शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मौशियत के मुस्तहकम हो रही है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मजीद जानेंगे इस मुलाकात का अहवाल उमर असलम से। उमर असलम बताएगा किन उमूर पर बात हुई। जी मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की बरतानवी पार्लियामेंट रुकन खालिद महमूद से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि जब इक्तदार संभाला तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था, तहम मुस्लिम लीगों की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। उनका कहना था कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि लाहौर समेत दीगर सूबे के शहरों में जो है तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यहाँ पर यह भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए बैरूनी मुल्क मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल किया जा रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद ने इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी अंतर काविशों की वजह से सूबा तरक्की की राह पर गामजन है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजह से पंजाब जो है वो इस वक्त बेहतरीन अंदाज में जो है अवाम। शुक्रिया उमर असलम, आप हमें आगाह कर रहे थे।